राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो वृषभ वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की, टोरस एनुअल प्रेडिक्शंस 2024। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा वृषभ वालों के लिए? 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं? वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, करियर, नौकरी, बिजनेस, निजी जीवन अच्छा रहेगा? किन किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है? इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लग्न से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में संचरण करते हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये बड़े ग्रह हैं जो कि ना सिर्फ अपनी दशा में महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं बल्कि दूसरे ग्रहों की जो दशा अंतरदशा रहती है उनमें भी इनका प्रभाव रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और दैनिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 में बड़े घरों की जो ऊर्जा है वो वृषभ वालों के लिए क्या कहती है। सबसे पहले वर्ष 2024 में वृषभ वालों के लिए जो बड़े घरों की स्थिति है उसको समझते हैं। शनिदेव आपके नवम और दसम भाव के मालिक होकर दसवें भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। पूरे वर्ष जनवरी से जून 2024 के बीच मार्गी गति से संचरण करेंगे। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 के बीच 12वें भाव में रहेंगे। मेष राशि में मार्गी गति से संचरण करेंगे। 1 मई 2024 से वर्ष के अंत तक वो आपके राशि में आ जाएंगे, पहले भाव में वृषभ राशि में संचरण करेंगे और 9 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। राहु पूरा वर्ष रहेंगे आपके 11वें भाव में मीन राशि में और केतु रहेंगे 5म भाव में कन्या राशि में पूरे वर्ष। सबसे पहले बात करते हैं योग कारक ग्रह की। वृषभ वालों के लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी, भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह अकेला ही राजयोग कारक होता है। शश नाम का राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग भी शनिदेव ने बनाया हुआ है। शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर दशम भाव में सब राशि के हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2024 वर्ष में जो पहले 6 महीने रहेंगे, जनवरी से जून का जो समय रहेगा उसमें मार्गी गति से भी संचरण करेंगे शनिदेव। तो शनिदेव की ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो 30 वर्षों के बाद वृषभ वालों के लिए बनी हुई है। कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा आपको। कार्यक्षेत्र नौकरी हो या व्यापार, कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन या विस्तार के बेहतर नए अवसर आप पाएंगे। प्रमोशन आपकी हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। शनिदेव 2024 में 1 जनवरी से 6 अप्रैल 2024 के बीच शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु 11वें भाव में लाभ भाव में मजबूत स्थिति में है। तो आईटी सेक्टर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, भारी मशीनरी, लोहा, तेल, शराब, गैस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इन नक्षत्रों से जुड़े हुए वृषभ वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी 6 अप्रैल से पहले। 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच में शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे जो कि अष्टम और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति का नक्षत्र है। तो अप्रैल, मई, जून ये जो 3 महीने हैं इन महीनों में पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है जो कि अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और 30 जून के बाद शनिदेव वक्री हो जाएंगे। इसलिए जो अप्रैल, मई, जून का समय है वो अष्टम भाव से लाभ आपको, अच्छा सडन जो गेन्स हैं, अचानक लाभ वो आपको मिल सकते हैं। आप यदि रिसर्च, टैक्स, ऑडिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अकल्ट, तंत्र मंत्र, गुप्तचर विभाग, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन वृषभ वालों को भी लाभ होगा। 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे जिसमें जो रिजल्ट होगा उनका जो परिणाम है वो विलंब से मिलेगा। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। वर्ष के पहले 6 महीने जनवरी से जून 2024 का जो समय है नौकरी व्यवसाय के मामले में विशेष लाभ वाला है। राहु की बात करते हैं, राहु पूरा वर्ष आपके 11वें भाव में रहेंगे मीन राशि में। राहु का 11वें भाव में गोचर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर तरह से पैसा बनाने की प्रेरणा राहु आपको देगा। विदेश का कारक है राहु तो फौरन चीजों से और नेटवर्क सर्कल से अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। राजनीति, एक्टिंग, सिनेमा, एविएशन, आईटी सेक्टर, बिग कॉरपोरेट, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मामला हो, इन सब में लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। एक्स्ट्रा इनकम के साधन बनेंगे। प्रमोशन भी आपकी हो सकती है।
राहु के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी बृहस्पति हैं, राहु मीन राशि में है। बृहस्पति की जो नौवीं सवग्रही दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है और पैतृक संपत्ति अष्टम भाव से देखी जाती है। राहु राशि स्वामी के अनुसार फल देते हैं, तो अचानक धन संपत्ति की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ राहु आपको दिलवा सकते हैं। इंश्योरेंस, टैक्स, ऑडिटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए वृषभ वालों के लिए भी राहु लाभ की परिस्थितियां बनाएंगे। राहु 1 जनवरी से 8 जुलाई 2024 के बीच रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। बुध आपके लिए धन भाव तथा पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो राहु धन वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे। राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो कम्युनिकेशन के भाव तीसरे भाव पर रहेगी। 8 जुलाई 2024 के बाद राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि 30 जून 2024 के बाद वक्री हो जाएंगे। राहु तो वक्री गति से संचरण करते ही हैं हमेशा, तब जो कार्य हैं वो विलंब से होंगे, आपके लाभ प्राप्ति में भी रुकावटें आएंगी। देव गुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति 1 मई 2024 से पहले, मतलब वर्ष के जो शुरू के 4 महीने हैं, जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में 12वें भाव में रहेंगे मेष राशि में, और योग कारक जो शनिदेव हैं उनकी तीसरी दृष्टि भी 12वें भाव पर रहेगी। तो 12वां भाव वर्ष के पहले 4 महीने विशेष रूप से एक्टिव रहने वाला है, तो फॉरेन कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएगी। फॉरेन सेटलमेंट का मामला हो, वीजा पीआर इशू का कुछ सुलझाना का मामला हो, इसमें भाग्य आपका साथ देगा। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, इनमें लाभ की संभावना रहेगी। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ज्यादा एक्सपेंसिज वर्ष के पहले 4 महीने आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर तथा नौवीं सवग्रही दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करेगा बृहस्पति का ये प्रभाव। अचानक होने वाली घटनाएं भी जीवन में बढ़ेंगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की समस्या यदि आपको पहले से है तो आपको सावधानी रखनी होगी। कर्जे में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य पर भी खर्चा आपको करना पड़ सकता है। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर रहेगी तथा योग कारक शनि की सातवीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो वर्ष के पहले 4 महीने घर, जमीन, वाहन खरीदने के लिए शुभ योग रहेगा। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। माता से संबंधों पर वर्ष के पहले 4 महीने विशेष तौर पर ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य भी आपको देखना होगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पहले भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। जीवन में ऑप्टिमिज्म, आशावाद बढ़ेगा उनके आने से, आर्थिक स्थायित्व भी बढ़ेगा। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो स्वास्थ्य मामले में आपको लापरवाही तब भी नहीं करनी है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। पहले भाव में बृहस्पति शत्रु राशि में है, वृषभ राशि शत्रु स्थान है उनके लिए, तो स्थान हानि भी वो करेंगे। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव केतु संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में पूरे 2024 वर्ष, उन पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी। लेकिन केतु संतान भाव में अशुभता भी पैदा करेंगे, कंसीविंग प्रॉब्लम हो सकती हैं। गर्भवती जो महिलाएं हैं वृषभ राशि की, उनको गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना होगा 2024 में। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनसे मतभेद हो सकते हैं, उनकी आलोचना ना करें। छात्रों का शिक्षा प्राप्ति में मन कम लगेगा, फोकस डाइवर्ट होगा। निवेश कार्यों, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट में आपको सावधानी रखनी है, उसमें अशुभता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी केतु कंफ्यूजन उत्पन्न करेंगे। वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में केतु का जो प्रभाव है पंचम भाव से संबंधित वो ज्यादा रहेगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो शुभ प्रभाव डालेगी पंचम भाव पर। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो 1 मई से 9 अक्टूबर के बीच का जो समय है उसमें बृहस्पति की पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियों का शुभ प्रभाव वृषभ वालों को मिलेगा। शिक्षा प्राप्ति में शुभता, प्रेम संबंधों में सुधार, संतान प्राप्ति में शुभता, ये फल बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपको दे सकती है। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी 1 मई 2024 के बाद, और शनि की 10वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी। विवाह होने का मजबूत योग रहेगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति शुभ व मांगलिक कार्य करवा सकते हैं। जो पहले से विवाहित है उनको अंडरस्टैंडिंग, तालमेल बनाए रखने में मेहनत करनी होगी। पार्टनरशिप में, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें ईमानदारी रखनी होगी। व्यापारिक विस्तार के लिए अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। व्यापारिक जो लाभ है आपका उसमें बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है, नीच दृष्टि, वो नवम भाव पर जाएगी, तो भाग्य में वृद्धि करेगी। आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन पिता को कष्ट हो सकता है। पिता और गुरुओं से आपके मतभेद हो सकते हैं। ओवरऑल अगर 2024 का वर्ष देखें तो रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के मामले में वर्ष के पहले 6 महीने बेहद शुभ हैं। प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, वाहन की खरीद के लिए
वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं वो बेहद शुभ है। पैतृक संपत्ति लाभ के लिए भी ये समय शुभ है। 1 मई 2024 के बाद विवाह योग बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी समय शुभ रहेगा। वर्ष के पहले 6 महीने भाग्य पक्ष की मजबूती भी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो वृषभ वालों को 2024 में करने चाहिए। गुड़ व अनाज का दान आपको करना चाहिए। रविवार और मंगलवार को भगवान गणपति की उपासना करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश चतुर्थी का पाठ भी आप कर सकते हैं और शुक्र का मंत्र आपको हर रोज सुबह 10-15 मिनट जरूर जपना चाहिए। ओम शुम शुक्राय नमः, राम राम।